स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। सिर्फ 3 मिनट में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कमा लिए हैं 250 करोड़ रुपए। जी हाँ, इसी पर आज हम आपसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। भारतीय बाजार में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की व्यवसायिक साख बेहद मजबूत है। गुरुवार 28 मई को इसका सबूत एक बार फिर देखने को मिला, जब कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किए गए और सिर्फ 3 मिनट में ही निवेशकों से 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हासिल हो गया। कंपनी सूत्रों के मुताबिक इस राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करने में किया जाएगा। ये ऐतिहासिक है कि पतंजलि आयुर्वेद ने पहली बार डिबेंचर इशू जारी किए और निवेशकों ने उसे खरीदने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। आपको बता दें कि कंपनी ने 3 साल के लिए 10.1% कूपन रेट पर डिबेंचर जारी किया है। इन डिबेंचर्स को किसी भी वक्त रिडीम किया जा सकता है। इस बारे में पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने कहा, कोविड-19 महामारी के इस दौर में इम्यून बूस्टर वाले उत्पाद यानी शारीरिक रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक आयुर्वेद उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। इससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव पड़ा है। विनिर्माण से लेकर वितरण तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव है। उन्होंने कहा, इस आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए ही हम ये राशि जुटा रहे हैं, ताकि हम विनिर्माण से लेकर वितरण तक की पूरी श्रृंखला को सरल और बेहतर बना सके। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में पतंजलि आयुर्वेद ने दिवालिया हो चुकी रुचि सोया नामक कंपनी को 4,350 करोड़ रुपए में दिवालिया प्रक्रिया के तहत खरीदा था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द लौटेंगे नई वीडियो के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।